नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और होंगे खुश। तो G20 समिट मेरे ख्याल से 10 सितंबर को होने जा रहा था, अभी एक दिन रहता है उसमें, और उसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से काफ़ी टाइम से चल रही। हमने दिल्ली की ब्यूटीफिकेशन देख रखी है और भारत मंडपम जिसमें सारा G20 होना है उसकी हमने पूरी वीडियो देखी थी कि अंदर से वो कैसा बना, जो नया बना है अभी। हाँ, नया बना है। तो अभी कल क्या है, कल से सारे जो बड़े बड़े मुल्कों के लीडर्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं और इंडिया में वो आ चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है G20 समिट होना है। तो एक हमारे पास वीडियो है, डिप्लोमेसी इन एक्शन, वर्ल्ड लीडर्स कन्वर्ज एट G20 समिट इन दिल्ली। तो एक मतलब सारे बड़े देशों के लीडर्स मौजूद हैं, तो बहुत ही एक कमाल बात है और बहुत फख्र की बात है कि इंडिया होस्ट कर रहा है। तो इसको हम देखने के लिए बड़े ही हम लोग वो हैं, क्यूरियस हैं, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। ओए हो, खूबसूरती चेक करो, सारे झंडे वगैरह, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, पीएम मोदी आ गए। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, साउथ कोरिया के, ये टर्की के लिए एक पथ प्रदर्शक नाइजीरिया बन सकता है। ये दुबई के, बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे बांग्लादेश नए समाधान मांग रही है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। क्या चीज है जो इंडिया नहीं कर रहा? अच्छा, मैं सोच रही थी कि मतलब अगर मुझे इतना हो रहा है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, तो जो आप यार इंडियंस तमाम, उनका तो सीना चौड़ा हो जाता होगा कि मतलब चंद्रयान ले लो, आदित्य L1 ले लो, अपनी कंट्री में जो प्रोग्रेस, कंट्री में जो चीजें हो रही हैं, GDP ले लो, फिर किस तरह से थर्ड उस पे पोजीशन पे पहुंचने वाली है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी वाइज। अब देखो पीएम मोदी इसमें वही बता रहे थे, बैकग्राउंड पे उनकी सारी आवाज चल रही थी कि इंडिया किस तरह से इसको होस्ट कर रहा है और सारे लीडर्स इंडिया में मौजूद हैं, कोई ऐसी कंट्री नहीं जिसके वो नहीं हो, सब बड़ी कंट्रीज के मौजूद हैं और इतना खूबसूरत पूरा तरीके से होस्ट। हाँ, और बड़े ही एक वार्म वेलकम, गर्म जोशी के साथ सभी, वो जब फुल दिखा है, इतना बड़ा जिस हॉल, बहुत बड़ा हॉल है जिसमें बैठे हुए, बड़े बड़े कैमरास, बड़ी बड़ी स्क्रीन, बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी कंट्री को ऐसे मुकाम पे लेके जा रहे हो, उसके पीछे आपकी मेहनत होती है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया। तो यार मैं वही सोच रहा था, ये देखते हुए मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि कौन सा ऐसी चीज है जिसमें कार मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इंडिया पीछे रह गया, सब में आ गया, कोई ऐसी चीज नहीं। और ये तो छोटी सी वीडियो थी, लेकिन मतलब पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी, होस्ट कर रहा है इंडिया, तो कमाल है।
और कितनी फखर की बात होगी आप लोगों की, आप किसी को बता सकते हो हाँ यार हमारी कंट्री ने होस्ट किया था G20, हमारी कंट्री में हुआ था। और बड़े बड़े वो लीडर्स हैं या मुझे क्रॉसिटी पता है किसी चीज की है कि वो जो भारत होना था नाम वो ऑफिशियल होगा या नहीं, हाँ, उसकी भी बहुत क्रॉसिटी है। वो अभी पता नहीं क्या है, उसका रूमर भी हो सकता है। वैसे तो इंडिया का नाम है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, लेकिन वो ऑफिशियली होना है कि नहीं वो अभी नहीं पता। अरल आप कितना प्राउड फील करते हैं इस तरह जब भी कोई अचीवमेंट हो रही हो या जब भी कोई इस तरह का इवेंट हो रहा हो आप कितना प्राउड फील करते हैं हमें जरूर बताइएगा रिएक्शन अगर अच्छा लगा। वांट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग चैनल, जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, उस पे हम डेली ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन डेली। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।